Dean. इस थैली में पड़ा है तो निकालो। मधुबन से नहीं, लौकिक परिवार से छुपा के ले आते हैं और मधुबन में जाकर पढ़ते रहते हैं। बाप को तो हजार आंखें हैं, हजार कान हैं, कोई न कोई देख लेते हैं और बताते रहते हैं। और भाई दो उधर ऊपर हाल सब नहीं चल कौरव पांडव यादव तीनों सेनाओं के बीच में ज्ञान सुनाया गया था गीता का, या सिर्फ पांडवों को सुनाया गया था? है? तीनों को सुनाया गया था। अब धारणा अपनी अपनी, ये ज्ञान जल सुधा वृष्टि है, ज्ञानामृत कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा के मुख से जब सुनाया गया था उस समय की मुरली में बता दिया कि अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अमृत तो मंथन करके निकाला जाता है। उस समय तो सिर्फ सुनना और सुनाना हो रहा था, कोई भी मंथन करने वाला नहीं था। अभी तो ज्ञान सागर बाप आए हुए हैं, बच्चों से सागर मंथन कराने के लिए। अब जो जितना मथेगा उसको उतनी प्राप्ति होगी और मंथन भी वो ही करेगा जिसको इसका महत्व होगा। रावण संप्रदाय को राम की बातों का महत्व नहीं होता है, इसलिए बल सुधा वृष्टि होती रहे, अभी भी हो रही है। रावण संप्रदाय क्या करते हैं, एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते, न धारण करते हैं और न दूसरों को धारण करने देते हैं। तो सुधा वृष्टि क्या करेगी? और हमें क्षमा किया जावा, मैं इतना चाहता हूँ, क्षमा कीजिए। इसमें हाथ जोड़ने की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं जैसे डॉक्टर पेट में कचरा भर जाता है तो जुलाब देते हैं, पेट में पानी चढ़ाते हैं कि कचरा सब बाहर आ जाए। बाबा मैं अपराधी हूँ क्योंकि भाई लोग करते हैं, सासों की बात क्यों पूछते हो? बाप ने तो कहा है कि गीता भागवत रामायण में जो भी लिखा हुआ है
तुम उसको संगम युग में टैली कर सकते हो। ये नहीं कहा टैली करो। अगर तुम्हारे पास फालतू टाइम है तो टैली कर सकते हो, बाकी तो सारा ज्ञान बाप खुद ही सुनाते हैं। टैली मैंने पाया है। हाँ जी, कृष्ण भगवान तो हम मधुबन में बैठे हैं, और कैसे बैठे हैं कि दाहिने जंगे पर में बायां पैर रख करके चवा ऊपर किए हुए हैं, और जिसने पहली आकर मार मारता। हाँ जी, इसका कुछ भाई ने आपको बताया भी है कि माताओं के ऊपर आप ज्यादा नजर देते हैं और हम लोग तो कम देते हैं, पर आपने कहा था इसीलिए भगवान के पांव में बहेलिए ने बाण मार दिया। कि भगवान आकर के पक्षपात करता है, भगवान का बुद्ध रूपी पांव भी पक्षपाती है। लेकिन वो तो एक कथा बनाई है कि कृष्ण को बहेलिए ने तीर मारा। वास्तव में कृष्ण भगवान है ही नहीं। जो भगवान है उसको तो कोई बाण मार ही नहीं सकता, और बाण लगे भी तो वो मरने वाला नहीं है, वो तो अकाल मूर्त है। किसी के बाण से प्रभावित होने वाला नहीं है। बाबा संगम जी के अंदर तो अपना बायां पैर दाहिने पैर के गंगे पर रख कर ही दृष्टि देते हैं। हाँ जी, ये तो साक्षात हम लोग दिखलाई दे रहा है। वो तो स्थूल बात है, ऐसे न बैठ करके वैसे बैठ जाओ क्या अंतर पड़ता है। शास्त्रों की बात वही लिखा हुआ है। ब्रह्मा बाबा अपना दाहिना पांव बाई टांग पर रख करके बैठते थे, तो भी उनके बुद्ध रूपी पांव में बहेलिए ने तीर मारा और हाथ फेल हो गया। फिर ऐसा क्यों हुआ? ये कोई स्थूल पांव को बताने वाली बात नहीं है, ये तो बुद्ध रूपी पांव है। शंकर का पार्ट अलग और ब्रह्मा का पार्ट अलग। ब्रह्मा का पार्ट है स्थापना का, वो गुणों का दर्शन करता है या अवगुणों का दर्शन करता है? ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में कोई भी बच्चे में कितने भी अवगुण हैं, कभी भी उन अवगुणों को देखा नहीं, गुणों को ही देखा। मीठा ही देखा। और ये भी एक नियम है, जो ज्यादा मीठा होता है वो गन्ना कोल्हू में तैरा जाता है। इसलिए दुनिया के अनुसार अपनी दोनों आंखें खुली करके रखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो
जो ईश्वरीय ज्ञान के दुश्मन है वो घात कर देवे। एक बार धोखा खाने वाला दोबारा धोखा न खाए। इसलिए शंकर का पाठ निराला है। शिव की तीन मूर्तियों में दो मूर्तियां पूजी जाती है, ब्रह्मा की मूर्ति नहीं पूजी जाती। उनको सफलता क्यों नहीं मिली? जो पूजा से बहिष्कृत कर दिया गया। क्या उनके जीवन में प्योरिटी नहीं थी? पवित्रता की धारणा नहीं थी? पवित्रता की धारणा में सारे ही गुण समाये हुए हैं। नहीं तो बाप दादा को ये नहीं कहना पड़ता कि कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो और बात मेरी मानो। इससे साबित होता है कि शंकर का पार्ट टाइगर का पार्ट है। मौका देख करके हमला करता है। गुणों को भी मद्देनजर नहीं करता और अवगुणों को भी मद्देनजर नहीं करता। अब गुणों का जो अपने अंदर से नाश नहीं कर सकता वो दूसरे के अंदर से भी अवगुणों का नाश नहीं कर सकता। और अपने अंदर जो गुण धारण नहीं कर सकता वो दूसरों को भी गुण धारण नहीं करा सकता। तो हर एक पार्ट अपना अपना है। बाकी संसार उसी रूप को मानता है, उसी रूप को पूजता है जो अपने जीवन में सफल होता है, विजय पाता है। विजयी को दुनिया नमस्कार करती है। इसलिए शंकर और विष्णु की पूजा होती है, ब्रह्मा की मंदिरों में पूजा भी नहीं होती, मूर्तियां भी नहीं बनाई जाती, सिर्फ अजमेर में एक मंदिर है जहां मुसलमानों का मेला प्रसिद्ध है। ये भक्ति मार्ग की यादगारें हैं। अजमेर नाम पड़ा है, अजा माने बकरी, मेड़ माने मेड़ा। ये भेड़ बकरियों का देश है। इन भेड़ बकरियों की मुखिया भेड़ या बकरी जिस रास्ते पर चल पड़ती है सारी भेड़ बकरियां उसका पीछा करती है। ये एडवांस नॉलेज और बीके नॉलेज की बात है।
एक ज्ञान के मार्ग में दीवार बन के खड़ी हो जाती है, तो उसकी यादगार इस्लामियों में और मुसलमानों में मस्जिद बना करके सामने आ जाती है। मस्जिद में क्या होता है, दीवार ही तो होती है, दीवार के सामने पूजा क्यों करते हो? कोई चैतन्य दीवार हुई है जिसको उन भेड़ बकरियों ने फॉलो किया है। इसलिए बाप के जो महावाक्य है उन महावाक्यों को पक्का करके फॉलो करना चाहिए। ऐसा न हो कि जिसको कर्मों में फॉलो करना है उसके डायरेक्शन को फॉलो करने लग पड़े, और जिसके डायरेक्शन को फॉलो करना है उसके कर्मों को फॉलो करने लग पड़े। बगुला गंध खाते हैं, मरी हुई मछली खाते हैं, एक टांग पे खड़े रहते हैं, देखने वाले समझते हैं बड़ा अच्छा तपस्वी है, परंतु जैसे ही मरी हुई मछली आती है बहती हुई फटाक से गड़प कर लेता है। ऐसी मरी हुई मछलियां इस ज्ञान में बहुत चल रही है, देखने में आती है कि ज्ञान में ज्ञान जल में तैरती भी है, परंतु है मरी हुई। अपवित्रता को फॉलो किया जैसे कि अनिश्चय बुद्धि बन गए, अनिश्चय बुद्धि माने मरे हुए। जो बगुले होते हैं वो उन मरी हुई मछलियों को खाने लग पड़ते हैं, कोई की बात नहीं सुनना चाहते। जो हंस होते हैं वो मरी हुई मछलियों को नहीं खाते, कोई भी प्रकार की गंध नहीं खाते। क्या चुंगते हैं? ज्ञान के मोती ही चुंगते हैं। और रहते कहाँ हैं? मानसरोवर झील के किनारे हंस रहते हैं। ये है ज्ञान मानसरोवर, बहुत ऊंची तेज का तालाब है, बहुत गहरा भी है, परंतु फिर भी सारा पानी शीशे के मिसाल पारदर्शी दिखाई देता है। अरे तुम मुरली तो सुनती ही नहीं है ना, देखती है बीसीडी, बार बार वही बात पूछती है। जो मोर है वो आज भी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, वो राष्ट्रीय पक्षी नहीं दिखाया गया है। कृष्ण के मुकुट में क्या दिखाया गया है? कृष्ण के मुकुट में उस राष्ट्रीय पक्षी की पूंछ दिखाई गई है। पूंछ किस बात की निशानी है? है? दे अभिमान की निशानी है पूंछ। ये दे अभिमान की निशानी
ऐसे नहीं है। कि संसार में संगम भी कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले में पुरुषार्थी जीवन में देह अभिमान होता ही नहीं। नहीं, पुरुषार्थी जीवन है तो देह अभिमान भी जरूर होगा, परंतु इतना हल्का होता है, इतना शोभनीक होता है कि दुख देने का नाम निशान नहीं। नहीं तो देह अभिमान बहुत सुख देता है। उन्होंने तो कृष्ण को भगवान मान लिया है, वास्तव में है संगम भी कृष्ण की बात। उस मुकर्रर रथ में पतितों को पावन बनाने के लिए जो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाप प्रवेश करता है, वो ऐसा तरीके से संग का रंग लगाता है जो संग लेने वाले को दुख का नाम निशान नहीं होता। स्मृति पावन बनती है, स्मृति में लेश मात्र भी अपवित्रता की वासना नहीं आती। मुकुट में ही क्यों लगाया जाता है? ये मुकुट कहो ताज कहो, ये जिम्मेवारी का ताज है। उस पूंछ को कौन सी जिम्मेवारी मिली हुई है? है? उस देह अभिमान की पूंछ को ये जिम्मेवारी मिली हुई है कि संग का रंग लगा करके जो भी राज परिवार है उन राज परिवार की आत्माओं को पतित से पावन बनाना। श्री यथा राजा तथा प्रजा स्वतः ही बनती रहेगी। ये 16108 का परिवार है जो राज परिवार बाप आकर तैयार करते हैं राजयोग से। इसलिए कृष्ण को राजयोगी कहा गया है। ये देह अभिमानी की पूंछ का ही कमाल है। कृष्ण कहो, शंकर कहो, बात एक ही है। हमारे यहाँ गीता पाठशाला ज्यादा भी पड़ता है हर रविवार को। जिनको गीता पाठशाला नजदीक पड़ता है उनको तो रोज क्लास करना चाहिए, और जिनको जितना ज्यादा दूर पड़ता है वो रोज नहीं कर सकते हैं तो सप्ताह में दो बार करें, ज्यादा दूर पड़ता है तो सप्ताह में एक बार करें। लेकिन रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी देखी जाती है।
उससे साबित होता है कि ईश्वरीय पढ़ाई का कितना महत्व है। टीचर खुश होता है। सप्ताह में भी एक बार अगर जाते हैं और रेगुलर और पंक्चुअल होकर जाते हैं तो भी रेगुलरिटी कही जाएगी। बाकी अपने घर में अध्ययन किया जा सकता है। टीवी तो घर घर में है, टैप रिकॉर्डर तो है ही। आज भी बहुत सी माताएं जन्म तो दे देती है क्योंकि बीज पड़ा है तो जन्म तो देना पड़ता है। जन्म देना बड़ी बात है या पालन करना बहुत बड़ी बात है? अभी तो आप कुछ और पूछ रहे थे। पालना करना बड़ी बात है। जन्म तो ब्रह्मा ने भी दिया ब्राह्मणों को, लेकिन ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनते। और विष्णु ने पालना की तो मंदिर भी बनते हैं, मूर्तियां भी बनती हैं, पूजा भी होती है। भक्ति मार्ग में नौरातन रहते हैं, हाँ जी, तो नौ कन्या को पिलाते हैं। भक्ति मार्ग नवरात्रों में नौ कन्याओं का चुनाव किया जाता है, उनकी पूजा करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। वो नौ देवियों की यादगार है। सन्यासी भी उनकी पूजा करते हैं। सन्यासी खुद पवित्र रहते हैं, लेकिन पवित्र होने के बावजूद भी कन्याओं की पूजा करते हैं। और ऐसी कन्याओं का चुनाव करते हैं जो उम्र में बहुत छोटी छोटी कन्याएं होती हैं। कोशिश करते हैं 9 साल की कन्याएं मिले। बच्चा बुद्धि, ब्राह्मणों की संग में भी, दुनिया में भी ऐसी 9 कन्याओं का बाप ने चुनाव किया है जो नंबरवार पवित्रता का पालन करने वाली है। जब संसार में प्रत्यक्ष होंगी तो दुनिया के बड़े बड़े सन्यासी भी उनके सामने मस्तक झुकाए देंगे।
दुनिया में भक्ति मार्ग में जो भी भारत में चल रहा है वो सब कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। कृष्ण मुरली को कमर में ही रखते हैं, ओठों पे नहीं रखते क्या है? जब बजाते हैं तो ओठों पे रखते हैं और जब बजाते नहीं है तो कमर में रखते हैं। और मुरली में बाबा ने बोला है रामायण तो ऐसे बनाए दिए है जैसे नावेल। रामायण जो तुलसी कृत बनाई गई वो तमोप्रधान युग में बनाई गई है या सतोप्रधान या रजोप्रधान युग में बनाई गई? युग कौन सा है? कलयुग में भी मध्य कलयुग होने के बाद अर्थात आज से 500 साल पहले तुलसीदास ने रामायण की रचना की। और उस युग में तामसी वृत्तियां बहुत बढ़ चुकी थी। इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने अपने मुख से खुद ही बताई दिया कि भाई वर्ण संकर सब है। सब वर्ण संकर हो गए, दिविचारी हो गए, शूद्र हो गए। यही बात बाबा बताते हैं। शूद्र कौन से युग में होते हैं? है? कलयुग में शूद्र होते हैं। तुलसीदास ने जो अनुभव किया और जब अनुभव किया तब उन्होंने लिख दिया कि सब वर्ण संकर हो गए, सब शूद्र हो गए, सब व्यभिचारी हो गए। तो व्यभिचारियों की बुद्धि कैसी चलेगी? मन बुद्धि व्यभिचारी होकर के कर्म करेगी कराएगी या अव्यभिचारी कर्म करेगी कराएगी? है? तो गलत तो नहीं कहा। और बाबा ने भी बोला है कि रामायण को तो ऐसे बनाए दिया है जैसे नावेल। हालांकि हिंदी में पहला नावेल चंद्रकांता संतति लिखा गया है, उससे पहले कोई नावेल हिंदी में नहीं लिखा गया था। लेकिन बाबा ने रामायण को बोला है कि रामायण तो ऐसे है जैसे नावेल। अगर ब्राह्मण भी रामायण के आधार पर सारा मनन चिंतन मंथन करेंगे तो बुद्धि जरूर तिरक जाएगी।
क्योंकि जो भी मंथन करें वो बाप से वेरीफाई भी कराना चाहिए, नहीं तो कुछ का कुछ समझ लेंगे और पुरुषार्थ उल्टा हो जाएगा। बाकी ये तो बता दिया है कि शास्त्र में सारा भूसा भरा पड़ा है, उसमें से जो दाना दाना है वो निकाल करके बाप बताते हैं, सार सार निकाल करके बाप बातें बताते हैं, बाकी सब भूसा है। तो वाल्मीकि रामायण द्वापर में लिखी गई है, वाल्मीकि रामायण भी द्वापर में लिखी गई और राम की आत्मा ने ही लिखी है, क्योंकि बोला है अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी है। तो चाहे वाल्मीकि रामायण हो या तुलसीकृत रामायण हो, जो एक बात हो रही बीच में मत बोलो, वो युग युग का फर्क है। तुलसीदास ने जब लिखा तो तामस युग था दुनिया में, और वाल्मीकि ने जब लिखा तब रजो प्रधान युग था, इसलिए अंतर पड़ जाता है। वाल्मीकि रामायण में ये बात नहीं आ सकती कि भय भरण शंकर सब है, लेकिन तुलसीकृत रामायण में ये बात आई है, माने उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया। सब वर्ण शंकर हो गए, उनमें मेरी आत्मा भी शामिल है। और मन जीते जगत मन माने ब्रह्मा, विष्णु माने संस्कार, और बुद्धि माना तीसरा नेत्र शंकर। ज्यादा चंचल कौन है इनमें? ये मन रूपी ब्रह्मा रूपी घोड़ा को अगर कंट्रोल कर लिया, ज्ञान की पूरी लगाम डाल ली, या यूं कहें कि सिर्फ एक बात एक भूल बुद्धि में अच्छी तरह बैठा दी कि गीता का भगवान कौन नहीं, कृष्ण नहीं, जो बात कृष्ण वाली आत्मा की जहन में 63 जन्म की भरी हुई है, संस्कार पक्के हुए पड़े हैं, वो बात निकलती नहीं है। अगर निकल जाए तो उसके लिए बोला है एक के पतित होने से सब पतित बन जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। सारी मनुष्य शक्ति का पहला पत्ता कौन है? कृष्ण। उसके ऊपर सारा मदार है। बाप बांधा हुआ है बच्चे को साथ लेकर के चलने के लिए,
कृष्ण बच्चा है, राम बाप है। बाप अकेला वापस नहीं जा सकता, लौकिक दुनिया में भी। घर में आग लगी हुई हो तो जो सच्चा बाप होगा अपने बच्चे को आग में झुलसते हुए छोड़कर नहीं भाग जाएगा। बच्चा बाप का प्राण होता है। इसलिए बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। ये कृष्ण बच्चा है और राम बाप है। दोनों का प्रत्यक्षता रूपी जन्म इकट्ठा होगा। संसार जानेगा। ये हीरोइन का पार्ट है और ये हीरो का पार्ट है। दोनों की साथ साथ प्रत्यक्षता होगी। ये सृष्टि की माँ है और ये मनुष्य सृष्टि का बाप है। वेद विद धातु से बना है। वेद विद माने जानकारी। जानने को कहा जाता है वेद। उसी के आधार पर आज के लोगों ने बनाई दी है जनता पार्टी। वास्तव में है बेहद की जनता पार्टी, एडवांस पार्टी। वो जनता पार्टी का उद्भव कौन से सन में हुआ था है? 76 में। और बेहद की जनता पार्टी का उद्भव भी कब हुआ था है? 76 में। उस हद की जनता पार्टी का जो उद्भव करता था जयप्रकाश नारायण, वो भी गुजरात से निकला था। गुजरात से एजिटेशन शुरू हुआ था। और बेहद की जनता पार्टी का एजिटेशन भी कहाँ से शुरू हुआ है? गुजरात, जिसके अज्ञान की रात 76 में ही गुजर चुकी थी। और साथ ही था कृष्ण मुरारी देसाई, वो भी गुजराती था। यहाँ एडवांस पार्टी में भी देसी आत्मा कौन है? शुद्ध देसी आत्मा राम की है या कृष्ण की है? है राम, वो विश्व पिता है, सारे विश्व में चक्कर लगाने वाला। और वो माता है, भारत माता, ब्रह्मा सो विष्णु बनने वाला। माता घर संभालती है और बाप बाहर संभालता है। बाप के संभालने से ही बाहर संभलेगा। माता घर देखती है। तो जो ब्रह्मा की सोल है वो माता है। उससे जास्ती सहन शक्ति और कोई मनुष्य आत्मा नहीं करती।
हैं तो ये भीड़ा विदेश में है। बाप विदेशी बन करके आया है या स्वदेशी बन करके आया है? हैं? बाप विदेशी बन करके आए हैं, वो है हद का कोहनी हीरा और ये है बेहद का कोहनूर हीरा। सारी दुनिया का नूर तो एक ही है, जिस मुकर्रर रथ में भगवान बाप आकर के प्रकट होते हैं। परंतु अभी विदेशियों के कब्जे में है, विदेशियों का राज्य है, भारत स्वतंत्र है या विदेशियों के कब्जे में है? भारत अभी भी विदेशियों के प्रभाव में है और विदेशी कंपनियां भारत में अड्डा जमाती जा रही है। भारत अभी भी विदेशों के लोन के नीचे दबा हुआ है। तो कोहनूर हीरा वो जड़ अभी भी विदेश में पड़ा हुआ है और जो चैतन्य है नूर हीरा वो अभी भी विदेशियों के जाल में फंसा हुआ है। ये प्रश्न पीछे भी आपने पूछा था, पहले भी उसको क्लियर किया था। ये अव्यक्त वाणी में ही बाप ने बता दिया, जगदम्बा कहाँ है? अभी घूंघट में है। घूंघट से बाहर आएगी या नहीं आएगी पता नहीं। यानी तू आत्मा बाप के बच्चे ये बोलेंगे पता नहीं। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है तो पता नहीं, सब भूल जाता है। विनाशकारिणी है, शंकर को कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। लेकिन कोई भी देवता असुर संहारकारी नहीं कहा जाता। असुर संहारिणी देवियां हैं, उनमें अव्वल नंबर है महाकाली। जो जगदम्बा ही जब तमो प्रधान बनती है तो महाकाली का रूप धारण करती है। अभी वो जगदम्बा भी जगत के जो इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले बच्चे हैं उनके चक्कर में फंसी हुई है, रावण के कंट्रोल में है। वो सीता है दूसरे नंबर की, जिसके लिए रामायण में भी कहा है असली सीता को कहा तुम पावक में करो निवास, योगाग्नि में निवास करो, तब लगे करो निशाचर नाशा। ये निश्चरों की दुनिया का नाश करने के लिए उन्होंने नंबर दो की सीता का निर्माण किया
वो पांच तत्वों की बनाई हुई सीता है। असली सीता को रावण नहीं ले जा सकता, वो सती साध्वी होती है या रावण के पंजे में फंसने वाली होती है, है? हाँ, सती साध्वी। हाँ, जो आर्टिफिशियल सीता बनाई जाती है पांच तत्वों की, वो जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है। उसका दूसरा नाम है प्रकृति, कुदरत। रावण के दस शीश दिखाए जाते हैं, पांच शीश हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, माया के पांच सिर, और पांच शीश हैं प्रकृति के पांच तत्व, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। इन पांच तत्वों का संघात रूप है जड़ तत्वों से बनाई हुई सीता, वो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या भगवान बाप को पहचानने वाली है, है? जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली सीता है वो मुख से भले कितना भी ज्ञान सुनाए, जीव कितनी भी लंबी हो, लेकिन अंदर से बाप को नहीं पहचानती, इसलिए छोड़ जाती है, रावण संप्रदाय के बच्चों के कब्जे में आ जाती है। और ये कोई नई बात नहीं है, बाबा ने बोला हुआ है। जो गीता माता है उस पर कृष्ण बच्चे का अधिकार हो जाता है, बाप का अधिकार नहीं रहता। तो कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा, जिसके लिए मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। तो ब्रह्मा की सोल ने उस जगदम्बा रूपी डब्बे पर कब्जा कर लिया है अभी, क्योंकि यज्ञ के आज में भी ब्रह्मा ने इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन बच्चों को सपोर्ट किया था, उन्हीं बच्चों के अंडर में अभी जगदम्बा भी फंस जाती है। इसलिए शास्त्रों में आया है कि सीता को रावण ने चुराई लिया, परंतु ये भी बता दिया कि जड़ तुम्हें सीता को रावण चुराता है, नहीं तो बाप ने बोला है कि मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को नहीं पहचान पाते, जो बाप को पहचान लेंगे वो बाप को छोड़ेंगे। इसलिए अभी अव्यक्तवाणी में भी बताया, संदेश में भी बताया कि माया बेटी ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है, माया बेटी अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी माया, और उसने बुद्ध रूपी हाथ मिलाया है पांच जड़ तत्वों की जो संघात कारिणी प्रकृति है, प्रकृति कहो पृथ्वी कहो दो नंबर की सीता कहो, उसके हाथ मिला लिया है।
इसलिए हाथ मिलाया है। अकेले माया तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी, जीते जी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। ब्राह्मणों की दुनिया का, एडवांस पार्टी का। अब शरीर छोड़ने के बाद हाथ मिलाया है प्रकृति के साथ, तो प्रकृति ज्यादा पावरफुल है या माया ज्यादा पावरफुल है? है? माया बेटी जीते जी इतना विरोध करने के बावजूद भी एडवांस पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। दिन दूनी रात चौगुनी बिना किसी एडवर्टाइजमेंट किए एडवांस पार्टी बढ़ती जा रही है, लेकिन अब प्रकृति से हाथ मिलाया है, महाकाली से हाथ मिलाया है। वो महाकाली इतने ढेर के ढेर जो अधूरे पुरुषार्थी एडवांस पार्टी में भरे पड़े हैं, उन सबको स्वर्ग में नहीं जाने देगी। विनाश का तांडव नृत्य करेगी। सब अनिश्चय बुद्धि बन पड़ेंगे। नई दुनिया का जो संगठन तैयार होगा उसमें थोड़े होंगे या ढेर के ढेर होंगे? थोड़े से बच्चे होंगे, और वो कौन होंगे? जो बाप को जन्म जन्मांतर पहचानने वाले, सहयोग देने वाले होंगे, या आधे जन्मों में सहयोग देने वाले और आधे जन्मों में विपरीत बुद्धि बनने वाले होंगे? आज से लेकर के अंत तक के सहयोगी, ऐसे बाप को पहचानने वाले बच्चे माया की गिरफ्त में नहीं आवेंगे। बाकी अंतिम जन्म में तो माया किसी को नहीं छोड़ती। ऐसा अहंकार कोई न करे कि माया हमको हरा ही नहीं सकती। इसलिए माया को सर्वशक्तिवान का टाइटल भी मिला हुआ है। है? एनएस नई दुनिया है क्या? कि नई दुनिया का फाउंडेशन है? फाउंडेशन जो है वो जमीन में खोद करके डाला जाता है या ऊपर डाला जाता है? तो जमीन में जहाँ खोद करके डाला जा रहा है फाउंडेशन, वो ईंट पत्थर जो है उन पर जब दुर्मुट चलता है तो सारे ही चिके रहते हैं कि छिटक के बाहर चले जाते हैं। और महाकाली को मुंड की माला क्यों दिखाई है और चंद्रमा क्यों दिखाया है? माँ मस्तक पर महाकाली को चंद्रमा भी दिखाते हैं और मुंडों की माला दिखाते हैं। असुर संहार कारिणी है तो असुरों का गला काटेगी या नहीं काटेगी? काटेगी ना। और जब गला कटेगा तो जो मुंड है
मुंड माला और एक होती है रुंड माला। रुंड माला दिखाते हैं विष्णु को, क्योंकि प्रैक्टिकल कर्म रुंड से किया जाता है या मुंड से किया जाता है, है? रुंड से प्रैक्टिकल कर्म किया जाता है। तो जो प्रैक्टिकल कर्म करने में पवित्रता को फॉलो करने वाली आत्माएं हैं, पवित्रता के आधार पर प्रैक्टिकल जीवन बिताने वाली आत्माएं हैं, उनकी माला विष्णु को दिखाई जाती है। और जो मुंड माला में, जिसे रुद्रमाला भी कहा जाता है, जिनके संकल्पों में इम्प्योरिटी हटाए नहीं हटती है, दृष्टि वृत्ति इतना ज्ञान लेने के बावजूद भी पतित बनी रहती है, ऐसे आसुरी मनुष्यों की मुंडों को, देह अभिमान को अलग करके उनकी आत्मा को धारण करती है या त्याग देती है। मुंड माने आत्मा और रुंड माने शरीर। ये मुंड रुद्रमाला के मुंड हैं, ये वो मुंड हैं जिन्होंने आसुरी वृत्तियां त्यागी ही नहीं है, पकड़ के रखी हुई है। ऐसे असुरों का सर काट करके उनको आत्मा अभिमानी बनाती है, झुकाए देती है, माफी मांगते हैं।